I'm a grind. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम लेंगे एक ऐसा सवाल जो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। तो ये सवाल ये है कि हम अपनी गाड़ी में कूलेंट कैसे डालें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कूलेंट रिजर्वर में डाला जाता है, और मार्केट में दो टाइप के कूलेंट आते हैं। पहला जो है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स में हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, जैसे कि पानी ऐड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमें उसको अपने कूलेंट रिजर्वर में डालना पड़ता है। और दूसरा आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंसंट्रेटेड में पीछे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको कितना अमाउंट इसमें पानी डालना है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 1 part ऑफ कूलेंट एंड 2 part ऑफ वाटर। तो ये मैंने जो कूलेंट लिया था 300 रुपये का लिया था, ये 1 liter है और मैंने ये पेट्रोल पंप से लिया था। तो आइए देखते हैं इसको हमने अपनी गाड़ी में कैसे डालना है। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी में डाला कूलेंट। कूलेंट अंदाज़ा लेके डालेंगे, यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं करनी है, इतना कुछ खास नहीं रहता, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा। तो पहले डालते हैं कूलेंट, और कूलेंट के बाद लगभग देखिए आप यहाँ तक आपका कूलेंट भर चुका है, और यहाँ तक कूलेंट भर चुका है। फिर हम डालेंगे इसमें इसके 2 part पानी के, वो भी अंदाजे से। मतलब कि अगर मैं 2 part अगर पानी के डालता हूँ तो ये पूरा रिजर्वर भर जाएगा, अपने फुल लेवल में आ जाएगा। तो चलिए डालते हैं। तो कूलेंट डालने के बाद अपना जो कैप है वो ठीक से टाइट कर लें। तो दोस्तों, ये था बहुत ही आसान तरीका अपनी गाड़ी में कूलेंट डालने का। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका कूलेंट प्रीमिक्स है या कंसंट्रेटेड है, इस चीज़ को आपने देखना है, इंस्ट्रक्शन देखने हैं अपने कूलेंट के डब्बे में कि कौन सा कूलेंट है हमारा और हमें कितना पानी उसमें ऐड करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।